हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग। तो देखिए, अफ्रीकन यूनियन चीफ ने क्या बोला है, हम लोग G20 के लिए बहुत कुछ ला सकते हैं। तो देखिए क्या है बात है, चलिए देखते हैं। दी अफ्रीकन यूनियन इन कॉन्फ इज कॉन्फिडेंट ऑफ बिकमिंग द फुल मेंबर ऑफ G20 ड्यूरिंग द दिल्ली समिट बिगिनिंग हेयर ऑन सैटरडे, सेज द चेयरपर्सन। बाय द वे आपको बता दूँ, ये आज का न्यूज़पेपर है एंड अभी दोपहर में मेरे पास न्यूज़ आई है कि अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है इन दिल्ली समिट विथ इंडियन इनिशिएटिव। तो चलिए देखते हैं बाकी इन्होंने क्या बोला। ये कल बोला होगा, मतलब इन्होंने इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद द हिंदू, मिस्टर ओसमानी हु इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कोमोरोस सेड मेंबर कंट्रीज ऑफ द G20 शुड इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अफ्रीका, एश्योरिंग द मेंबर दैट अफ्रीका इज़ विलिंग टू डू वॉट इट टेक्स टू डील विथ इमाइग्रेशन इशू बिगिन फेस्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज। ही अर्ज द G20 इकॉनमीज टू यूटिलाइज अफ्रीकन रिसोर्सेज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन अफ्रीका। सिंस आई बिकेम द चेयर ऑफ अफ्रीकन यूनियन वी हैव हेल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ कन्वर्सेशन विद द G20 मेंबर टू मेक अफ्रीकन यूनियन अ मेंबर ऑफ G20 एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देम फॉर आवर मेम्बरशिप। वी आर होपफुल दैट वी विल बिकम G20 मेंबर टुमोरो, दैट इज टूडे। मतलब ये कल बोला था कि आज बनेंगे, तो हाँ ये बन चुके हैं। वी आर होपफुल दैट वी कैन वर्क टुगेदर एंड वी हैव लॉट टू ब्रिंग टू द टेबल ऑफ G20, ऐसा इन्होंने बोला है। वर्ल्ड हैज़ टू स्टेप इन, ही पॉइंटेड आउट दैट अफ्रीका इज फेसिंग प्रॉब्लम सच एज ड्रॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, बट टू फाइंड लास्टिंग सोल्यूशन द इकोनॉमिक इशूज ऑफ अफ्रीका हैव टू बी डेल्थ विद। आर मेन प्रायोरिटी इज टू अचीव इंडस्ट्रियलाइजेशन। वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन अफ्रीका बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट प्रोसेस देम एंड देम इन द कॉन्टिनेंट, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20 सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन अफ्रीका एंड प्रोसेस द प्रोड्यूस गुड्स इन अफ्रीका। मतलब भाई, हमारे रिसोर्स से यहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करो और यहीं पे चीज़ों को बनाओ, तो उससे बहुत कुछ होगा। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स आएगा तो उसके मार्केट भी अफ्रीका बनेगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एंड फॉरेन वहाँ पे एड आएगा, इकोनॉमिकल एड आएगा, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उससे अफ्रीका डेवलप होगा क्योंकि रिसोर्सेज तो अफ्रीका के पास है। तो वही बात इन्होंने बोली है, अफ्रीकाज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अफ्रीकन कंट्रीज बट द वर्ल्ड हैज़ टू स्टेप इन विथ इन्वेस्टमेंट। हाँ वही बात है, इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाईज टू इंश्योर दैट द गोल्स आर मेट, ही एडेड। वी हैव ड्रॉट एंड फ्लड्स इन अफ्रीका डेट लीड टू फेमाइंस, बट इफ़ यू कैन मैनुफैक्चर इन अफ्रीका देन वी कैन डील विथ फेमाइंस वेरी इजिली। फॉर डैट वी हैव टू टॉक टू आवर पार्टनर बिकॉज इन कमिंग टू डेकेड्स अफ्रीका विल बी वेरी बिग मार्केट, सेड प्रेसिडेंट। क्योंकि यहाँ पर जब जॉब आएगी तो लोग कमाएंगे, लोग कमाएंगे तो उनका लाइफ स्टाइल डेवलप होगा, लाइफ स्टाइल जब लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड उन लोगों का उठेगा तो वो मार्केट से चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, तो वहाँ पे मार्केट भी बड़ा होगा। तो यही बात इन्होंने बताई है। द टॉप मोस्ट ऑफिशियल ऑफ द अफ्रीकन यूनियन ऑल्सो सेड अफ्रीका मस्ट फाइंड अ सोल्यूशन टू द इमाइग्रेशन क्राइसिस दैट इज़ मेजर इशू फॉर यूरोप। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अफ्रीका टू इंश्योर जॉब सिक्योरिटी इन कॉन्टिनेंट सो दैट आवर यूथ विल रिमेन ऑन आवर कॉन्टिनेंट एंड फाइंड जॉब दैट दे कैन रिक्वायर। तो मतलब जो यूथ यहाँ से चला जा रहा है तो नॉलेज ट्रांसफ़र अलग अलग जगह हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो वो लोग अपने जगह पे रहेंगे, अपने कॉन्टिनेंट में रहेंगे, मतलब अफ्रीका में ही रहेंगे, तो उससे अफ्रीका डेवलप होगा, वही बात कर रहे हैं। बट वी ऑल्सो हैव टू वर्क हैंड इन हैंड विथ यूरोप एंड यूरोप विल हैव टू हेल्प अस ट्रेन आवर पीपल। इन कोमोरोज इट इज़ आवर प्रायोरिटी टू ट्रेन यंग पीपल सो दैट दे कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट वेन दे गो एब्रोड। वॉर एंड शॉर्टेज, ही ऑल्सो सेड दैट द अफ्रीकन यूनियन हैज़ बिन डिस्कसिंग डिटेल टू डील विद फॉल आउट ऑफ यूक्रेन वॉर विच हैज़ हिट सप्लाईज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर टू अफ्रीका, कॉलिंग फॉर एन एंड एंड टू द वायलेंस। ही सेड वॉट इज़ हैपनिंग इन यूक्रेन इज़ द वायोलेशन ऑफ द UN चार्टर, देर इज़ इनसिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दिस वॉर इज़ नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल। द वॉर इन यूक्रेन हैज़ फूड सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अस, क्योंकि वहाँ से रशिया का और यूक्रेन का इनको वहाँ से ग्रेन्स आता था, इसलिए ये वहाँ से हिट हुआ है, इनको मतलब प्रॉब्लम हुई है, कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलना पड़ा, तो वही बात हो रही है।
We have been to Kyiv and Russia and met with President Zelensky and President Putin, but unfortunately the conflict is still raging. We have authorized the foreign minister of South Africa and Russia to report us to the position, the conflict, and hopefully we will resume our negotiations soon. Rice export ban. Flagging the recent rice export ban, export of rice imposed by India. So India ne ye recently kiya hai, agar aapko pata ho, rice export ban kiya hai. क्यों किया है? ताकि डोमेस्टिक यहाँ पे कमी ना हो जाए, इसलिए, और फूड इन्फ्लेशन और ना बढ़ जाए डोमेस्टिक शॉर्टेज होने से. तो वही इंडिया ने बैन किया है, तो उसी के ऊपर इन्होंने बोला है. ही सेड दैट द फूड सिचुएशन इज इन अफ्रीका रिक्वेस्ट इंडिया टू स्टेप इन बाय इंश्योरिंग सप्लाईज एज देयर इज क्राइसिस लाइक सिचुएशन इन मल्टीपल अफ्रीकन कंट्रीज. वी आर प्लानिंग टू टॉक टू इंडियन अथॉरिटी टू अफ्रीका लाइक capacity building. Africa need partner who understand us and India is one such country. तो इन्होंने यही बात की है कि इंडिया इनके लिए इम्पोर्टेंट पार्टनर है. तो चलिए देखते हैं बाकी इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है. इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है, अफ्रीकन यूनियन G20 का पार्ट बनेगा और आज बन चुका है. और अफ्रीका में ये बता रहे रिसोर्सेस तो है, ये हम सबको पता है रिसोर्सेस है, पर ये चाहते हैं अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो. अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए. उससे क्या होगा, वहाँ पे जॉब क्रिएट होगा, वहाँ पे मार्केट क्रिएट होगा, लाइफ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा. तो यही कह रहे हैं इनके यहाँ पे फेमाइंस वगैरह जो होता है और ड्रॉट आता है, तो बोल रहे हैं हमारे पास अगर इंडस्ट्री होगी, पैसा होगा, हम इसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे. और ये कह रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ तो इसमें हेल्प करेंगे, पर हमें एक्सटर्नल सपोर्ट भी चाहिए. और ये कह रहे हैं जैसे ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी यूरोप से हेल्प लेंगे हम. और ये राइस के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है एंड फूड ग्रेन्स के लिए रशिया एंड यूक्रेन के वॉर से ये इम्पैक्ट हुआ है. इस आर्टिकल में बस इतनी बात की गई है. सो प्लीज़ वर्क हार्ड गाइज. जैसे अफ्रीका को आज G20 में जगह मिल गई है, हो सकता है आपको भी आपके ड्रीम जगह जगह मिल जाए एंड आपका भी डेवलपमेंट हो. और ये सब पॉसिबल तभी होगा जब आप अच्छे से काम करेंगे. सो प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.